नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 15 सितंबर 2024 और यहाँ पे 16 सितंबर 2024 मंडे सोमवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। पसंद आया आंसर जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए देखते हैं मंडे के लिए बैंक निफ्टी का मूवमेंट कहाँ पर हो सकता है, क्या मूवमेंट बनेगा। और बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने में हो गया। देखिए, अभी डेली चार्ट पर अगर हम लोग देखते हैं तो बुलिश मूवमेंट में, नो डाउट। लास्ट टाइम भी, यानी कि लास्ट फ्राइडे को भी इसने लो लगाया 51,643, जिसकी बात हम लोग बार बार कर रहे थे कि ज्यादा ज्यादा एक बार इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, और 51,500 से 600 ये अभी मजबूत सपोर्ट निकल के आ रहा था, इसके पास से बाउंस होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही हुआ, हाई लगाए 52,000 का, तो इस लेवल को ब्रेक भी नहीं कर रहा, ये भी सही हो गया। तो बिल्कुल रेजिस्टेंस और सपोर्ट को परफेक्ट ये क्लेम कर रहा है। लेकिन आपको अब ध्यान देना है कि ये है 51,994, यानी 52,000, और क्लोजिंग देखिए कहाँ पे किया है, 51,938, 51,938। आप ज्यादा से ज्यादा आप देख सकते हैं कि 60 पॉइंट का डिफरेंस है मात्र, यानी कि लगभग लगभग क्लोज जो है अपने हाई के बराबर है ना, क्लोज इक्वल टू हाई, यानी कि ये अभी बुलिश मूड में चल रहा है। ठीक है, चलिए, अब सपोर्ट निकल के हमारा 51,500 आ गया, ये भी सही है, तो वो भी अच्छी बात है। नीचे से आप देखिए, अगर आप इसके कैंडल को एनालाइज थोड़ा सा करें तो आप पाएंगे कि जो कैंडल है वो नीचे आया, लेकिन नीचे से रिकवरी जबरदस्त दिखा है। तो इसका मतलब ये क्या क्या बोल रहा है कि सेलिंग भले ही आ रहा है, लेकिन नीचे के साइड में बायर भी बैठा हुआ है, उसको लेने के लिए परफेक्ट लेवल का वेट करता है, फिर वहां से रिकवरी कर जाता है ऊपर की साइड में। अब देखिए मंडे को क्या हो सकता है, क्योंकि हम बिल्कुल हाई के पास में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको खरीदारी करना चाहिए, ये ध्यान रखिए, 52,000 के ऊपर, इसके ऊपर, यानी कि 52,000 के ऊपर निकलेगा तो जरूर एक बाय का कंडीशन बनेगा, और टारगेट 52,100 से 52,300 का पहला मिडिल टारगेट, छोटा से मीडियम रेंज का टारगेट। अगर ये 300 को सस्टेन करने में, ब्रेक करने में कामयाब होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको 52,400 से लेके 52,500। देखिए, अगर देखा जाए तो साइकोलॉजिकल लेवल पर 52,500 जो है, अब इसके बाद रेजिस्टेंस बन जाएगा, जब ये 52,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तब तो मेन रेजिस्टेंस 52,500 का बन जाएगा। ये एरिया नहीं ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पर से आपको सेलिंग बन जाएगा, हावी हो सकता है सेलर, तो आपको इसके आसपास यानी 300, 350, 400 आते आते आपको रेडी हो जाना है, माइंड मेकअप करके कि भाई निकल जाओ, अपना काम हो गया, अब यहां से निकल जाओ। कॉल ऑप्शन की तरह आप ध्यान देंगे इस कंडीशन से, तो कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं 52,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन के ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर इन केस मान लेते हैं कि गिरावट आता है, आ भी सकता है, कोई जड़ी जो बड़ी बड़ी बात नहीं है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जरा सा शिफ्ट करते हैं, और कहाँ से गिरावट आएगा तो अभी आप ध्यान से देखें तो ऊपर की साइड में एक हल्का सा, हल्का ज्यादा नहीं, छोटा सा एक रेजिस्टेंस जो 52,000 का है, और यहां से एक छोटा सा सपोर्ट बना रखा है और एक लगभग ट्रेंड लाइन को मैनेज कर रहा है। इस एरिया को अगर ये तोड़ता है तो देखिए ये बड़ा बड़ा लेवल यहां तक आएगा, लेकिन इस लेवल तक आने में भी इसको दो पड़ाव पार करने होंगे, एक 51,800 का पार करना होगा और एक 51,700-650 का लेवल को पार करना पड़ेगा तभी, यानी कि वो दोनों छोटा छोटा सपोर्ट है, पहला 51,800 का और दूसरा जो है 51,650 के आसपास का, उसके बाद ही 51,500 और 600 वाला लेवल आएगा। तो हम सेलिंग कहाँ करेंगे, हम सेलिंग करेंगे जब 51,850 के नीचे निकलेगा तब, सेलिंग कहाँ करेंगे जब 51,850 51,850 के नीचे आने पर ही हम लोग सेल करेंगे, सेल करेंगे, और इस कंडीशन से जो टारगेट बनेंगे ये सारे एरिया जो है आपके टारगेट बनेंगे। पहला टारगेट बन जाएगा 51,800 का छोटा सा, दूसरा टारगेट बनेगा 51,650 से 700 के एरिया का बनेगा, और अगर इसके नीचे सस्टेन करने लग गया तब 51,600 से लेकर 51,500 तक का टारगेट बनेगा। हाँ, हालांकि 51,500 अच्छा सपोर्ट, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया इसको मिलता है, वो एरिया 51,500 से 400 के बीच में आता है, यानी कि यहाँ से ये बाउंस करने का चांस बना सकता है, यानी 51,500 से बाउंस हो सकता है। आप पुट ऑप्शन पे नजर रखें, और पुट ऑप्शन आप किस स्ट्राइक प्राइस का लेंगे तो पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं 51,800 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स जब नीचे आएगा
तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, चार्ट बहुत अच्छा बना हुआ है, लेवल दिख रहा है, उसके पहले हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। जब उस एरिया के ऊपर और नीचे जाए तो हम ट्रेड करेंगे शांति से, कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर ये गैप अप ही खुल जाता है तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमें ये देखना है, गैप डाउन हो जाता है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको ऑप्शन डेटा को देखना पड़ेगा। थोड़ा आप ऑप्शन डेटा को एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा। देखिए ऑप्शन डेटा में अगर पीसीआर देखें तो 1.2 है, ये हमें बता रहा है कि अब हम ओबी जोन में चले गए। ओबी जोन मतलब ओवरबॉट जोन में चले गए। हाँ, लेकिन ये भी बोल रहा है कि भैया अब जो है हमारा अभी वीक्स ठीक है, 12.5 है, कोई दिक्कत नहीं है। 51,700 ये पहला वो एरिया है जो आपको रोकने की कोशिश करेगा, गिरने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर जो है लगभग 7.5 लाख है और पुट राइटर अगर देखते हैं तो लगभग 12.5 लाख है, तो पुट राइटर की संख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इसके वजह से पहला सपोर्ट यही 51,800 पे भी उतना दम नहीं है। 51,800 पे देखिए मात्र 9.25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 9.25 लाख है, यानी 50,000 के लगभग का डिफरेंस है, लेकिन वहां पे बड़ा डिफरेंस है 5 लाख का। 51,700 के आसपास 5 लाख का डिफरेंस है, इस वजह से ये बढ़िया सपोर्ट है। इसके नीचे जाने पर खराब होगा और 600 और 500 के लेवल बनेंगे। ऊपर की साइड में कितना जा सकते हैं, ऊपर की साइड में तो हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। पहला जो हर्डल है आपका 52,000 यानी कि 52,000 का आ रहा है, ये तो दिख ही रहा है हम लोग को भी चार्ट पर। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो लगभग लगभग 23 लाख कॉल राइटर है और पुट राइटर लगभग 9.25 लाख है, 9.5 लाख है। तो पहला हर्डल यही है, अगर ये लोग शॉर्ट कवरिंग में चला गया, ट्रैप हो गया, तब आपको ये ऊपर की तरफ लेके जाएगा। और ऊपर कहाँ लेके जा सकता है, तो 52,250 से 300 वाला एरिया, ये एरिया ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 10 लाख हमारा कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 37,000 है। तो आप कह सकते हैं कि 52,300 भी तोड़ना बहुत मुश्किल है। 300 इसलिए मैंने आपको कहा था, जब 300 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा 2:30 बजे के बाद, तब ये 400 से 500 के लेवल दिखाएगा, अदरवाइज 300 से ही गिर जाएगा। अब मोटा मोटी आपको एक रेंज डेटा सब कुछ दिख गया सामने में, तो कहाँ पे हमें देखना होगा। हम एक एज्यूम कर सकते हैं गैप अप कि भाई बैंक निफ्टी है तो 300-400 पॉइंट तो खुलता है गैप अप में। अगर ये 100-150 का कोई वैल्यू नहीं है, बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में 100-150 गैप अप का कोई वैल्यू नहीं है, उसको चाहिए 300-400-500 पॉइंट का गैप अप, तब ये मामला बनता है। तो अगर ये 52,300 अगर 400 पॉइंट भी खुलता है तो 52,300, तो पहले आप जान लीजिए 52,300 से 52,500 के बीच में कहीं पे भी खुले, आपको इस जगह पे ऑप्शन डेटा के हिसाब से और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की वजह से करना सेल ही चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। और टारगेट नीचे की साइड में आपको 52,200 से फिर 52,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर ये खराब हो गया 52,000, अगर ये ऊपर से नीचे आते हुए तोड़ गया, तो आप 100 पॉइंट और पकड़ लीजिए, 51,900 तक का लेवल। पुट ऑप्शन की तरह आप जाएंगे तो पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं 52,300 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। और अगर ये गैप डाउन हो गया, गैप अप ना खुल के गैप डाउन खुल गया, नीचे खुल गया, तो गैप डाउन चलिए अगर खुल जाए इसी तरह 400-500 पॉइंट नीचे, तो कहाँ खुलेगा, ये खुलेगा 51,400 से लेके 51,600 के एरिया पर। अगर कहीं पे भी खुलता है गैप डाउन तो हमें बाय ऑन डीप करना है, बाय ऑन डीप करना है। टारगेट 51,700 से लेके इसमें भी आपको 52,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आपको कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान रखना होगा, 51,551,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। अब देखिए हम लोग जरा निफ्टी को देखते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पैटर्न चार्ट क्लियर है। अब निफ्टी निगेटिव में था, बैंक निफ्टी पॉजिटिव था लेकिन निफ्टी निगेटिव में था। अब हमें ये देखना है कि मंडे को एक इम्पैक्ट पड़ेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं लेकिन वो एनबी वो है, फिन निफ्टी का है वो मामला, बजाज हाउसिंग फाइनेंस वो फिन निफ्टी में आता है, खैर कोई दिक्कत नहीं। हमें ये देखना है कि निफ्टी कुछ नहीं कर रहा है, निफ्टी क्या नहीं कर रहा है, आप देखिए ध्यान से, निफ्टी एक साइडवेज एरिया में फंसा हुआ है। पहले तो ये ऊपर एक रेजिस्टेंस बना लिया 25,450 वाला, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर आप उसके नीचे भी अगर आप देखते तो एक छोटा सा रेंज बना लिया, इसमें नहीं बना, ये एक रेंज बना लिया, उसी में दिन भर आपको फंसा के रखा, दिन भर पागल बना के रखा, अंत में क्लोज किया लास्ट। आज मैंने एक ETF वाली वीडियो डाली है कि ETF से आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। ट्रेडिंग टेंशन फ्री है ना, टेंशन फ्री, नो स्टॉक सिलेक्शन, इस तरह से करके मैंने डाला, नो स्टॉक सिलेक्शन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का बेस्ट स्ट्रेटेजी करके इससे मैंने डाला है, आप जरूर देखिए उस वीडियो को। यहाँ पे देखिए जो हमारा निफ्टी है एक छोटा सा राउंडिंग टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी ये राउंडिंग टॉप कंप्लीट हुआ नहीं, इसको यहाँ पे आके कंप्लीट होगा।
और ये एरिया फिर आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो अब ध्यान से देखते हैं कि अगर ये राउंडिंग टॉप बनाते हुए अगर यहाँ पे रुका हुआ है और अगर इसके पास नीचे निकल जाए तब आपके लिए क्या बनेगा, तब आपके लिए एक सेल जोन खुलेगा जो कि 25,300 के नीचे खुलता है। कितना के नीचे खुलता है, तो 25,000। सेल कहाँ करेंगे, तो 25,000 25,300 के नीचे हम सेल करेंगे। और इस कंडीशन से टारगेट कितना मिलेगा, 25,250 से 25,200। आपको मैं बता दूं कि 200 और 25,150 इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसलिए मैक्सिमम ये 25,150 तक आ सकता है, क्योंकि जैसे ही ये 25,150 और 2,500 के रेंज में घुसेगा यहाँ पर से बायर एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से बाउंस होने का चांस होता है। इसलिए आपको 25,150 के आसपास पहुंचते ही बुक कर लेना है प्रॉफिट। पुट ऑप्शन की तरह आप नजर रखें तो 25,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करके चला जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे नहीं गया और यहीं से ये घूम गया ऊपर, तो हम इस ऊपर वाला जो जोन है, पहला जोन, ये एरिया, ये पहला बाय रेंज है, ठीक है, बाय वन, और ये एरिया जो है बाय टू, ये दोनों एरिया बाय का है लेकिन इसके ऊपर निकलना चाहिए। तो जो रिस्की ट्रेडर है वो बाय करेंगे 25,400 के ऊपर, और जो सेफ ट्रेडर हैं वो 25,465 के ऊपर। ये दो एरिया, ये रिस्की ट्रेडर के लिए है और ये सेफ ट्रेडर के लिए। इस दो एरिया के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो बाइंग बनेगा और टारगेट ऊपर की तरफ में 25,500 से लेके 25,550। याद रखिए 25,600 अभी इसका फिलहाल 25,500 भी अच्छा रेजिस्टेंस है जो कि हम अभी ऑप्शन डेटा में भी देखेंगे, लेकिन 25,550 तक के लेवल को क्लेम करने के अभी फिलहाल ये क्षमता रखता है और 25,600 के पास से ज्यादा बिक वाली बनेगा। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप रखें, अगर 25,400 के एरिया को ब्रेक करता है तो 25,400 या 450 का ही कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पर कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब अभी ऑप्शन डेटा, जैसा कि मैंने कहा आपको कि ऑप्शन डेटा हम लोगों को देखना चाहिए, तो ऑप्शन डेटा आप देखें। सबसे पहले हम एट द मनी कहाँ क्लोज कर रहे हैं, 25,350 पर। अब 25,350 पर पीसीआर लगभग लगभग अभी ओवरबॉट होने के कगार पर, हुआ नहीं, और 25,350 पर हम एट द मनी बैठे हैं क्योंकि 356 पर क्लोज कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए 25,300 इस एरिया में देखते हैं तो लगभग 24 लाख हमारा कॉल राइटर, 25 लाख, 25 लाख कॉल राइटर बैठा, पुट राइटर यहाँ पे 31.31 लाख है। तो थोड़ा सपोर्ट है 25,300 पे, इसीलिए इसके नीचे जाने पे आपको बिकवाली होगा, जो कि मैंने चार्ट पे भी बताया 25,300 के नीचे जाने पे बिकवाली होगा, और इसके नीचे जाने पे ये आपको 25,200 बढ़िया सपोर्ट है, 25,150 तगड़ा सपोर्ट है। दोनों पे वर्ड ध्यान से, 25,200 पे बढ़िया सपोर्ट है और 25,150 पे तगड़ा सपोर्ट है। तो आपको यहाँ पे देखिए 25,200 पे आप देखते हैं तो लगभग 42 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 16 लाख है, लेकिन 25,150 पे लगभग 9.5 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 3.25 लाख है। रेशियो बढ़ गया हमारा सपोर्ट एरिया का, है ना, यानी कि वहां से 6 लाख का डिफरेंस पड़ता है और यहाँ से हमारा लगभग लगभग 24 लाख का डिफरेंस पड़ता है। तो ये 25,150 से 200 अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ऊपर कितना भाई, तो पहले तो 25,500 ही आपके लिए दिक्कत है। 25,500 अगर आप देखते हैं तो इसी एरिया पे देखिए लगभग 8 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 42 लाख के आसपास है। तो दिक्कत यहीं पे कर रहा है, दिक्कत तो आपको 450 पे कर रहा है जहां लास्ट फ्राइडे को हम लोग गिर गए थे। यहाँ पे देखिए 3.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 30 लाख, डबल का मुकाबला है। तो 25,450 और 25,500 अगर ये जिस दिन तोड़ा उस दिन 150 पॉइंट रैली देगा। 25,500 याद रखिए, जिस दिन तोड़ा 150 पॉइंट की रैली 100 से 150 पॉइंट एकदम देगा, क्योंकि जबरदस्त कॉल राइटिंग वहां पे हो रखा है, तो वो लोग सारे शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे, ये ध्यान रखिए। फिलहाल इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो गैप अप कंडीशन में हम लोग पहला अटेम्प्ट देखेंगे कि गैप अप डायरेक्टली हो जाए और ये खुल जाता है, मान लीजिए 25,500 150 पॉइंट के आसपास खुलेगा, तो इसी एरिया पे खुलेगा। तो 25,500 25,550 पर अगर ये डायरेक्ट खुलता है तो 25,550 पे तो हम यहाँ पे सेल ऑन राइज करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे यानी उछाल पर बिकवाली करेंगे, और टारगेट हम इस कंडीशन से 25,450 25,450 से लेके 25,400 छोटा और मीडियम टारगेट, बड़ा टारगेट आप 25,350 जो कि क्लोजिंग है, और उससे बड़ा टारगेट 25,300 तक का फिर देखा जा सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो 25,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, और अगर ये गैप डाउन हो गया, ऊपर नहीं खुल के नीचे खुल गया, तो अच्छी बात है, नीचे हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट बैठा है। गैप डाउन कंडीशन में कितने का सपोर्ट बैठा है, तो भाई 25,150 ये जबरदस्त, और 25,200 ये भी जबरदस्त,
इस दो एरिया पे कहीं खुलेगा हम तो बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन से 25,250 से फिर 25,350 तक के एरिया को कवर कर सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ इस कंडीशन से 25,200 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, सोमवार 16 सितंबर 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।